डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू विधाता जीएस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के बीच में सबसे ज़्यादा पॉपुलर यूट्यूब चैनल विधाता जीएस क्लासेस में, क्योंकि फ्रेंड्स ये पिछले एक वर्ष में सबसे ज़्यादा कमेंट का रिप्लाई देने वाला यूट्यूब चैनल है और आप लोग को डाउट को दूर किया है और आप लोग प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आ गया हूँ, जिसका इंतजार आप लोग काफ़ी लंबे समय से कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एग्जामिनेशन प्रोग्राम के बारे में, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए, एग्जाम का रूटीन आप लोग आ गया है। इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कि आप लोग किस किस सब्जेक्ट का एग्जाम का ये प्रोग्राम आया है, ये रूटीन आया है, ठीक है ना। तो सारा चीज़ हम लोग जानेंगे इस वीडियो में और बारी बारी से देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। साथ ही साथ जानेंगे फ्रेंड्स कि आप लोग कम समय में कैसे तैयारी करेंगे ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छा परसेंटेज से आप लोग पास हो सकेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले बता दूं फ्रेंड्स कि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी या बिहार का कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी से आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। और साथ ही साथ आप लोगों को वोकेशनल कोर्स जो भी होता है एनएम जीएनएम बी फार्मा डी फार्मा पॉलिटेक्निक आईटीआई बीएलडीए, ठीक है ना, सबका जानकारी मिलेगा और तैयारी कराया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में जो भी कम्पिटेटिव एग्जाम है उसका भी तैयारी कराया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग चैनल से जुड़ जाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग वीडियो का स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे एमए हिस्ट्री पार्ट वन एग्जाम के बारे में, ठीक है, पूछते रहते थे सर एग्जाम कब होगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग का एग्जाम का ये रूटीन आ चुका है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपका जो एग्जाम स्टार्ट होने वाला है 11/10/2022 से स्टार्ट होने वाला आप पेपर वन का एग्जाम होगा, जो आपका देखिए 10:30 से आपको 1:30 बजे तक चलेगा, ठीक है। और आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ रहेगा, तो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी सेकंड फ्लोर बिस्कुमार भवन पटना, ठीक है, ये आपका सेंटर होगा। उसी तरह से फ्रेंड देखिए, आपका 12 तारीख का एग्जाम है फिर, ठीक है। उसके तरह से देखिए, आपका 14 तारीख का एग्जाम है फिर, 15 तारीख का है, ठीक है फ्रेंड्स। अक्सर देखा जाता था फ्रेंड कि नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का जो भी एग्जाम होता था, ठीक है ना, उसमें कम से कम एक दिन का गैप दिया जाता था, लेकिन यहाँ पर देखिए आप लोगों को नहीं है, ठीक है ना। देखिए 14 का भी है, 15 का भी है, लेकिन 13 का नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, 16 का नहीं है, 17 का है, ठीक है, 18 का है, 19 का नहीं है, 20 का है, 21 का है, ठीक है। तो आप लोग एग्ज़ाम के तैयारी में लग जाएं, ठीक है। तो आप लोग देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पेपर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, देख लेंगे, और आपका ये सब चीज़ कॉमन रहेगा, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, आपका अगर हिस्ट्री है या फिर आपका हिंदी है, ठीक है ना, हिंदी के लिए भी हम लोग बात करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट जिनका भी सब्जेक्ट रहा होगा उनके लिए, ठीक है। और उसके बाद फ्रेंड्स आपका एमए एमएससी होम साइंस, ठीक है ना, होम साइंस के एग्ज़ाम का भी प्रोग्राम आ चुका है, उसके बारे में बात करेंगे। और थोड़ा सा फ्रेंड्स, अब देखिए वीडियो देख ही रहे हैं तो आप लोग ये सब भी थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है, ये ज़्यादा आप लोग और भी वीडियो में आप लोग देख चुके होंगे, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 10 नंबर पॉइंट हमको ज़्यादा अच्छा लग रहा है आप लोग को बताने के लिए, ठीक है। अगर सभी विद्यार्थी गण अपने विषय के प्रत्येक पत्र के क्षेत्रीय कार्य के सिलबंद लिफाफा उस पत्र के लिखित परीक्षा के निर्धारित तिथि में पाली के परीक्षा कक्ष में जमा करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो भी आपका जो असाइनमेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो जैसे मान लीजिए आप लोग का पेपर 2 का असाइनमेंट पेपर है, ठीक है, आप लोग अपने सब्जेक्ट के अनुसार देख लेंगे। जब पेपर 2 का एग्जाम होगा उसी दिन आप लोग को लेकर जाना है सीलबंद करके, ठीक है। उसके बाद वहाँ पर आप लोग को टीचर ले लेंगे, और जब एग्जाम दे के निकलने लगेगा तो जो एग्जाम कॉपी आप लोग का रहेगा उसी में इसको सबमिट कर देते हैं, अटैच कर देते हैं, धागा से बांध देते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड देखिए, यहाँ पर 11 क्या करके प्रत्येक विद्यार्थी को अपने पाठ्यक्रम के प्रत्येक पत्र में अलग अलग पास करना अनिवार्य है, ठीक है ना फ्रेंड। देखिए आप लोग का पेपर 8 है तो 8 पेपर में पास होइएगा तभी आप लोग को पास मानिएगा माना जाएगा, ठीक है ना। अगर एक पेपर में भी आप लोग का क्रॉस लग जाता है, ठीक है, तो आप लोग को फिर से आपको री एग्ज़ाम देना होता है जब नेक्स्ट बार एग्जाम आप लोग को होता है तब, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर कह रहे हैं कि एग्जाम से आधा घंटा पहले आप लोग आ जाना है, ठीक है ना, तो आप लोग आधा घंटा पहले चल जाएंगे, ठीक है। उससे क्या होता है कि आप लोग को माइंड भी संतुलन हो पाता है, आप लोग थोड़ा रेस्ट भी कर पाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स हिंदी के बारे में, ठीक है। तो हिंदी का देख लेते हैं कि कब कब एग्ज़ाम है, उसके बाद लास्ट में बताएंगे फ्रेंड्स कि आप लोग किस प्रकार से कम समय में तैयारी करेंगे ताकि आप लोग को एग्ज़ाम में अच्छा परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, पीडीएफ ओपन हो चुका है। और फ्रेंड्स बता दूँ कि काफ़ी स्टूडेंट का ये कमेंट आया था कि सर आप एक नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए एक टेलीग्राम चैनल बना दे, तो टेलीग्राम चैनल बना दिए हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना, उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लेंगे तो आप लोग को सारा इन्फॉर्मेशन जाता रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, आपका जो एग्ज़ाम रूटीन का जो पीडीएफ है, ठीक है ना, इसको आप लोग वहाँ से भी डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड करेंगे, नहीं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है ना, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे वही अच्छा रहेगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर देखिए, अब बात कर रहा है क्या हिंदी और रूरल डेवलपमेंट का, ठीक है। तो हिंदी और रूरल डेवलपमेंट का यहाँ पर देखिए, आपका जो एग्ज़ाम है फ्रेंड्स, आपको 11 तारीख से स्टार्ट है, ठीक है, जो 12 भी है, और फिर देखिए 13 का गैप है, फिर 14 तारीख होगा, फिर 15 तारीख है, फिर 16 का गैप है, 17 का, 18 का, फिर 20 का, फिर 21 का, ठीक है। और पेपर यहाँ पर दिया हुआ, ठीक है, और यहाँ पर टाइमिंग देखिए आपको दिया हुआ, ठीक है ना, 2:30 बजे से 5:30 बजे, और आपका ये देखिए एग्जाम सेंटर, ठीक है ना, आपका जहाँ यूनिवर्सिटी है जिस फ्लोर पर वहीं होगा, ठीक है, ये सब कॉमन रहेगा, आप लोग देख लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए इंट्रक्शन में भी वही चीज़ है, ठीक है ना, वही चीज़ आप लोग पढ़ के समझ लेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए हम लोग बात करते हैं होम साइंस,
अच्छा एक बात मैं और बता देता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है ना, आप लोग घबराइएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स ये हिंदी और रूरल डेवलपमेंट का या जो रूटीन है एक ही रहेगा, ठीक है, आप लोग कन्फ्यूज नहीं होइएगा। तो फ्रेंड्स देखिए होम साइंस का आपका पीडीएफ ओपन हो चुका है, ठीक है ना, आपका हो जाएगा एमए या एमएससी, ठीक है, होम साइंस। तो आप लोग का देखिए फिर एग्ज़ाम आपको 11 से स्टार्ट है, ठीक है ना, जो आपको देखिए 11 12 चलेगा, ये सब देख लीजिएगा आप लोग डेट। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, इसको समझना ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पर 3 तारीख का जो दिवा फ्रेंड्स की 3/11/22 से आपको 5/11/22 तक चलेगा, ठीक है ना, यानी 2 दिन, ठीक है। तो देखिए पेपर जो आपका 8 है उसका कंप्यूटर प्रैक्टिकल काउंसलिंग क्लास चलेगा, ठीक है ना, आपको काउंसलिंग क्लास होगा जो 11 बजे से चलेगा, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए 7 तारीख आप लोग को जो होगा, तो फ्रेंड्स देखिए 7 तारीख को फिर आपको फिर से आपका यहाँ पर देखिए 7/11/22 को आपको पेपर ये जो आप लोग को काउंसलिंग चला उसका आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, ठीक है ना, 11 बजे से, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। और इसका देख ले फ्रेंड्स यहाँ पर बता दे रहे हैं आपका देखिए फ्रेंड्स आपका पेपर 1 से लेकर के, ठीक है ना, आपका जो 7 तक है वो आपका जो एग्ज़ाम सेंटर रहेगा सब देख लीजिए कॉमन है, ठीक है ना। लेकिन ये जो प्रैक्टिकल काउंसलिंग होगा उसका देखिए यहाँ पर उसका जो सेंटर है वो बता दे रहे हैं, ठीक है। ये देखिए आपका स्कूल ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन, ठीक है ना, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है, 12th फ्लोर पर होगा, विश्वान भवन में ही होगा लेकिन ये 12th फ्लोर पर होगा, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। बाकी देखिए इंट्रैक्शन जो है आप लोगों का सब एक ही है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि आप लोग का देखिए कम समय में आप लोग अगर अच्छे से पढ़ाई नहीं किए होंगे तो आप लोग कैसे एग्ज़ाम में अच्छा परसेंटेज ला सकते हैं, अच्छा मार्क्स से पास हो सकते हैं, ठीक है, उस मैटर पर हम लोग बात करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा फ्रेंड्स, कम से कम 3 साल का, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर पेपर 3 साल का, ठीक है ना, जैसे आपके देखिए 2022 में एग्जाम होने वाला फ्रेंड्स, ठीक है, तो आप लोग का इंपॉर्टेंट कौन कौन सा आपका रहेगा ईयर, ठीक है, जैसे आपका 2019 का हो जाएगा, ठीक है, और 2018 हो जाएगा और 2017 हो जाएगा, ठीक है, ये 3 साल का कम से कम जरूर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे, ठीक है, और क्वेश्चन को आप लोग को डिटेल में पढ़ना है उसका आंसर, ठीक है, आपका बुक में दिया गया होगा, ठीक है, निकाल लेंगे सारा क्वेश्चन को और उसको बुक में अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद पढ़ने के बाद में फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि शॉर्ट नोट्स बनाना है, ठीक है, शॉर्ट में क्या करना है, नोट्स बनाना है, ठीक है। शॉर्ट में नोट्स इसलिए बनाना है फ्रेंड्स कि ठीक है ना, जब एग्ज़ाम के टाइम में आप लोग जाएंगे तो उसको आप लोग को एक बार पढ़ लेंगे तो रिवीजन हो जाएगा, ठीक है, और एग्ज़ाम में अच्छे से आप लोग लिख पाएंगे। जैसे कोई भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है तो उसका शॉर्ट में नोट्स बना लें कि इसका इसका ये की पॉइंट है, ठीक है ना, आप अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ऐसे लिखना है, ठीक है ना, तो आप लोग शॉर्ट में लिख लेंगे तो जब आप लोग एग्ज़ाम में जाएंगे तो आप लोग को माइंड में वो रहेगा, ठीक है ना, और वहाँ आप लोग देखते रहेंगे, ठीक है, एग्ज़ाम से पहले, ठीक है, तो ताज़ा रहेगा और आप लोग एग्ज़ाम में अच्छे से लिख पाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और जब आप लोग फ्रेंड्स क्वेश्चन देखेंगे पिछले 3 साल का, ठीक है ना, तो आप लोग देखेंगे कि कोई कोई क्वेश्चन जो है चैप्टर में, ठीक है ना, वही इंपॉर्टेंट है, वही हर एक साल पूछा जा रहा है, ठीक है, तो इस वर्ष भी पूछने का ज़्यादा चांस रहेगा, इस बात पर आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है ना। और फ्रेंड्स क्वेश्चन को एनालाइज करते वक्त, ठीक है ना, आप लोगों को क्वेश्चन का शॉर्ट नोट्स ऐसा बनाना है, ठीक है ना, उस क्वेश्चन को बनाना है जिसमें आप लोग को टॉपिक मिल पाए, ठीक है ना, क्योंकि फ्रेंड देखिए टॉपिक अगर कोई भी क्वेश्चन में मिल जाता है, ठीक है, तो आप लोग क्या कहते हैं कि टॉपिक आप दे देकर आप जब लोग लिखिएगा एग्जाम में तो आप लोग को अच्छा मार्क्स आ जाएगा, ठीक है ना। और जब एग्जाम हॉल में जाएंगे तो वहाँ भी जो आप लोग को 10 प्रश्न दिया जाएगा, ठीक है, 10 प्रश्न दिया जाएगा, उसमें से 5 प्रश्न का आंसर आप लोग को देना होता है, ठीक है, तब 5 प्रश्न का आप लोग को सिलेक्शन या चुनना, ऐसा क्वेश्चन को आप लोग चुनिएगा कि जिसमें आप लोग को क्या टॉपिक मिल पाए, ठीक है। और अगर वो क्वेश्चन आप लोग अच्छे से नहीं भी पढ़ पाए हैं, ठीक है ना, तो आप लोग अपने दिमाग से लिख सकते हैं, ठीक है ना, उसके बारे में जान रहे हैं, ऐसे प्रश्नों को आप लोग सिलेक्शन करना है, ठीक है ना। जैसे फ्रेंड टॉपिक वाले प्रश्न के जैसे हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि जैसे बहुत सारे क्वेश्चन रहता है जिसमें क्या लिखना होता है, परिभाषा लिखना होता है, ठीक है ना, किसी का उसका कारण लिखना होता है, ठीक है ना, उसका विशेषता लिखना होता है, उसका परिणाम लिखना होता है, ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को आप लोग सिलेक्शन करना है, ठीक है। तो आप लोग अगर इस प्रकार से करते हैं तो आप लोग अच्छा तैयारी हो जाएगा। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने काउंसलिंग क्लास किया होगा, ठीक है ना, तो काउंसलिंग क्लास में भी बता दिया गया होगा सर के द्वारा, ठीक है ना, कि आप लोग किस ईयर के क्वेश्चन पे थोड़ा सा विशेष फोकस कीजिएगा, ठीक है ना, तो आप लोग जान रहे होंगे, तो जान रहे होंगे तो अच्छा है, ठीक है ना। और नहीं तो फ्रेंड्स देखिए एनयू के एग्ज़ाम में क्या देखा जाता है, जैसे कि फ्रेंड्स 2 साल के बाद के क्वेश्चन को पूछा जाने का ऐसा रहा है थोड़ा सा, ठीक है ना, ये 100% सत्य नहीं है, ठीक है, क्योंकि फ्रेंड देखिए मैं भी नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रह चुका हूँ, ठीक है ना, इसलिए बहुत सारा नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के जो बातें हैं मैं जानता हूँ, ठीक है ना, और मैं अपने अनुभव के आधार पर आप लोगों को बात बताता हूँ, ठीक है ना, जो काफ़ी हद तक सही होता है और बहुत सारे स्टूडेंट ने मेरे बातों को फॉलो किया और 6% से पास किए हैं, ठीक है ना। अगर फ्रेंड्स आप लोगों ने काउंसलिंग क्लास नहीं किया होगा तो जब आप लोग फर्स्ट दिन एग्ज़ाम देने जाएंगे, ठीक है ना, तो
उस दिन का एग्ज़ाम जैसा भी जाएगा तो उस दिन जो भी क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप लोग क्या करेंगे मैच कर लेंगे कि किस ईयर से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है ठीक है, उस ईयर पे ज़्यादा फोकस करना है ठीक है ना। और काउंसलिंग के क्लास नहीं किए होंगे तो और भी स्टूडेंट आपके साथ में जो एग्ज़ाम दे रहे होंगे ठीक है ना, उनसे भी पूछ लीजिएगा कि अगर आप लोगों ने काउंसलिंग क्लास किया तो थोड़ा सा हमें बताएं कि किस ईयर का क्वेश्चन के बारे में सर ने ज़्यादा मतलब कि ध्यान देने के लिए बोला था ऐसा ठीक है। वो लोग अगर बता देंगे तो आप लोग उस तरह से भी आप लोग तैयारी करने लगेंगे ठीक है। और फ्रेंड्स आप लोग का जो भी सब्जेक्ट है ठीक है ना, आप लोग अगर असाइनमेंट नहीं तैयार किए हैं ठीक है ना, तो असाइनमेंट आप लोग बनाएं ठीक है ना, असाइनमेंट आप लोग बनाने पर ध्यान दें क्योंकि अब टाइम आप लोग का बहुत कम बचा है ठीक है, तो असाइनमेंट आप लोग बना ले अच्छे से ठीक है। असाइनमेंट किस प्रकार से बनाना है उसका वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगा ठीक है। और उसके बाद फ्रेंड्स एग्जाम में किस प्रकार से लिखना है ठीक है ना, एग्जाम हॉल में किन किन बातों का ध्यान दिया जाता है मेरे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा ठीक है ना। वो कोई भी सब्जेक्ट रहेगा, कोई भी सेशन है या फिर कोई भी क्लास है ठीक है ना, एमए पार्ट वन हो या पार्ट टू हो ठीक है ना, आप लोग कोई भी वीडियो देख लेंगे तो वहाँ से जानकारी सेम रहेगा, सबके लिए एक ही प्रोसेस है ठीक है, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं ठीक है, मेरे चैनल पर विजिट करके ठीक है फ्रेंड्स। और एक बात और बता देता हूँ आप सभी को फ्रेंड्स, जैसे कि मान लीजिए फ्रेंड्स कि आप लोग 11 तारीख के पेपर वन का एग्ज़ाम है ठीक है, तो पेपर वन के आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं ठीक है ना, तो 10 क्वेश्चन आता है ठीक है ना, तो आप लोग कम से कम क्या करेंगे 15 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन लिख करके जाएंगे ठीक है ना, लिख करके उसका शॉर्ट ठीक है कि अगर ये क्वेश्चन आता है इसमें ये टॉपिक डालना है ठीक है ना, ये चीज़ है इसका मेन पॉइंट है ठीक है, और उसको आप लोग लिख रखे रहेंगे ठीक है। तो आप लोग फ्रेंड्स जब 10 से 12 या 15 क्वेश्चन आप लोग शॉर्ट में लिख करके लेके जाएंगे ठीक है ना, तो उसमें से 5 एकदम मैच कर जाएगा ठीक है, तो मैच कर जाएगा तो आप लोग तो पहले से पढ़े रहेंगे 10-12 क्वेश्चन का पूरा याद किए रहेंगे ठीक है ना, तो आप लोग एग्ज़ाम में अच्छा से लिख पाएंगे ठीक है ना। इसलिए एग्ज़ाम देने से एग्ज़ाम हॉल के पहले जब अंदर आप लोग जा रहे हैं ठीक है ना, उससे पहले आप लोग बहुत अच्छे से आप लोग याद कर लेंगे उसको, ताकि आप लोग के एग्ज़ाम में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे, और इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया के हर एक ग्रुप में शेयर कर देंगे ठीक है ना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे अपने लिए जरूर कर लेंगे, ताकि आप लोग किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो ठीक है ना फ्रेंड्स। और वीडियो को शेयर करना इसलिए जरूरी है फ्रेंड्स कि बहुत सारे स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन का अभाव है ठीक है ना, क्या होता है कि एग्जाम छूट जाता है ठीक है, तो आप लोग जितना भी आप लोगों दोस्त है सगे संबंधी आप लोग जरूर वीडियो को शेयर कर देंगे ठीक है फ्रेंड्स। और लिंक डाल देंगे टेलीग्राम चैनल का, आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर लेंगे, ताकि आप लोग को कोई भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन वीडियो आता है आप लोग को एग्जाम से अपडेट आता है तो आप लोग वहाँ से मिलते रहेगा ठीक है ना, क्योंकि फ्रेंड्स ये आप लोग को प्रत्येक दिन आप लोग को साइट विजिट नहीं कर पाते होंगे ठीक है ना, कि आप लोग यूट्यूब चैनल या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल आप लोग का माध्यम है ठीक है ना, आप लोग को जानकारी टाइम टू टाइम मिलते रहेगा ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और बता दूं फ्रेंड्स कि मैं बहुत ही जल्द एक दो दिन में ठीक है ना एक वीडियो लेकर के आने वाला हूं, जिसमें आप लोग 8 ऐसे एग्ज़ाम से रिलेटेड आप लोग को की पॉइंट बताने वाला हूं, कि अगर आप लोग उस प्रकार से आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो आप लोग निश्चित मानिए फ्रेंड्स कि आप लोग का 70% लगभग मार्क्स आ जाएगा ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो का इंतजार करें ठीक है, बहुत ही कम समय में आने वाला है ठीक है। तो आप लोग को वीडियो देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।